आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ये समय दिया और उसने मुझे चुना कि मैं आप सब लोगों के मध्य में उसके वचन को शेयर करने लायक हूँ। बहुत दिनों से परमेश्वर ने अगुवाई की थी कि मैं उसके नाम की महिमा के लिए कुछ करूं, और मैंने उससे प्रार्थनाओं में मांगा और उसने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आज आपके सामने उसके वचन को बांटती हूं। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और उसकी हुजूरी में आए। आइए हम प्रार्थना करें। महान सशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ तेरे चरणों के सम्मुख आते हैं पिता। इस शाम के समय जब पिता हम सब मिलकर इकट्ठे होकर तेरे नाम की हम तो सताइश करते हैं पिता परमेश्वर, तो पिता हम में से हर एक की आप सहायता और मदद कीजिए पिता परमेश्वर। आज जो वचन यहाँ बोया जाता है पिता परमेश्वर, वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेके आने वाला हो सके मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर सबके सुनने वाली कान दीजिए पिता परमेश्वर, ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि जो भी वचन यहाँ बोल जाए मेरे प्रभु, वो उनके जीवनों को बदलने वाला हो सके पिता परमेश्वर। मैं तुझ भी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। आप मेरी सहायता और मदद कीजिए पिता परमेश्वर। मेरे होठों को छूइए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर होने दीजिए कि जो भी मैं बोलूँ वो मैं नहीं पिता परमेश्वर, परंतु पवित्र आत्मा मुझ में रहकर बोलने वाली हो सके पिता। पूरी आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो मेरा विषय है वो है परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषों को रखता है। जब से हमारा दिन शुरू होता है और जब हम सोकर उठते हैं, तब से जब तक हम रात भर हम जब सोते हैं, तब तक परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुत सारी आशीषों को रखता है मेरे प्रियो। वो हमारे जीवन में इतनी आशीषें रखता है कि हम उसके लिए उसको अगर धन्यवाद करने लगे तो हमारा धन्यवाद कम पड़ जाएगा मेरे प्रियो, परंतु उसकी आशीषें हमारे जीवन में अपरंपार है मेरे प्रियो। हम यह देखते हैं मेरे प्रियो कि आखिर जो परमेश्वर हमारे जीवन में जो आशीष दे रहा है, आखिर वो आशीष है क्या। इंग्लिश में अगर हम देखें तो आशीष को हम ब्लेसिंग से डिफाइन करते हैं, गिफ्ट ऑफ गॉड बाय ग्रेस इन गॉड्स लव। अगर इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर के प्रेम में उसके अनुग्रह के द्वारा जो परमेश्वर हमें उपहार देता है, जो गिफ्ट्स देता है, जो तोहफे देता है, वो दैट इज़ कॉल्ड ब्लेसिंग। वही हमारे जीवन के अंदर ब्लेसिंग है। जिस तरह से हम अगर किसी से बहुत प्यार करते हैं मेरे प्रियो, हमारे घर में छोटे बच्चे, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, और जब उन्हें प्यार करते हैं तो हम उनको उस प्यार के रूप में, प्यार के स्वरूप में हम उनको एक गिफ्ट देते हैं मेरे प्रियो। इसी तरह से जो परमेश्वर का प्यार है वो उसके अनुग्रह के द्वारा हमें जो गिफ्ट मिलता है परमेश्वर की ओर से, जो हार हमें दिया जाता है परमेश्वर की ओर से, वही हमारे जीवन के अंदर आशीषें हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर के कलाम में से हम एक जगह से पढ़ेंगे, आप निकालिएगा मेरे साथ में, नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसकी 22वीं आयत। नीति वचन उसका 10वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर का वचन यहाँ हमें बता रहा है कि जो संसारिक जो धन है वो यहोवा की आशीष से हम प्राप्त करते हैं मेरे प्रियो, लेकिन वो उसमें कभी भी दुख को शामिल नहीं करेगा। मेरा और आपका परमेश्वर जो धन रूपी जो आशीष हमें देगा उसमें वो कभी भी दुख को शामिल नहीं करेगा। आजकल हम बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन देखते हैं मेरे प्रियो, जिनके घरों उनके जिनके पास बहुत सारा धन है, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, किसी भी चीज़ की उनको कमी नहीं है, लेकिन उनके मनों में, उनके जीवनों में शांति नहीं है मेरे प्रियो। मनों में शांति नहीं है मेरे प्रियो। उनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नी की बनती नहीं है, बच्चे उनके कहना नहीं सुनते हैं, घरों में टूटन है मेरे प्रियो।
उनके घरों में शांति नहीं है, ऐसा धन परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब परमेश्वर हमें धन देता है तो वो किसी भी तरीके का दुख उसके अंदर नहीं मिलाएगा मेरे प्रियो। धन वो जरूर हमें देता है आशीष के रूप में, लेकिन वो कभी दुख को नहीं मिलाता उसके अंदर। जिस प्रकार से हम देखते हैं उत्पत्ति 12 के अंदर, उस पूरे अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में किस तरह से आशीषों को रखा मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपना अपना देश और अपने परिवार वालों को, अपने सब कुटुंबियों को, अपनी सारी संपत्ति छोड़ के जिस देश में मैं तुझे लेके जा रहा हूँ तुम वहाँ चला जा। मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसने परमेश्वर की बातों को सुना, उसने परमेश्वर के बतावे मार्ग पर वो चला। और हम सब जानते हैं मेरे प्रियो कि उस परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए मेरे प्रियो। आज अगर वो परमेश्वर हमें कहते कि तुम्हें अपना बड़ा घर छोड़ के आना है, तुम्हें अपनी सारी जो प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, जब छोड़ के आना है, तो क्या आज हम तैयार हैं मेरे प्रियो? लेकिन परमेश्वर की महिमा को देखिए मेरे प्रियो, अब्राहम ने जब उसकी बात को माना तो परमेश्वर ने उसको कितना फलवंत किया मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, उसको कितना बढ़ाया मेरे प्रियो। वो आज हमें भी बढ़ाना चाहता है, बस वो इतना चाहता है कि हम उसके बताए हुए मार्ग पे चले। इसी तरह से सुलेमान के विषय में हम सब जानते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको कितनी आशीषें दी, कितना धन संपत्ति दी, कितना वैभव दिया मेरे प्रियो। पहला राजाओं और तीसरे अध्याय में हम अगर देखें तो जब सुलेमान को परमेश्वर ने स्वप्न के अंदर दर्शन दिया और उसे कहा कि तू मांग जो तुझे क्या मांगना है, तो पर हम जानते हैं मेरे प्रियो कि सुलेमान ने बुद्धि को मांगा। वो चाहता तो क्या, बहुत कुछ मांग सकता था, वो चाहता तो बैंक बैलेंस मांग सकता था, प्रॉपर्टी मांग सकता था, पैसा मांग सकता था, सोना चांदी मांग सकता था, लेकिन उसने बुद्धि को मांगा। और परमेश्वर उसकी बात से इतना प्रसन्न हुआ कि परमेश्वर ने न केवल उसे ये सारी चीज़ें दी, बल्कि उसने परमेश्वर ने उसको कहा कि ना तो कोई तेरे जैसा अब तक हुआ है और ना कोई तेरे जैसा आगे कभी होगा। और परमेश्वर ने उसे ये भी कहा कि अगर तू मेरी बातों को मानेगा और मेरी विधियों पे चलेगा तो मैं तेरी उम्र को भी लंबा करूँगा, मैं तेरी आयु के दिनों को बढ़ा दूंगा मेरे प्रियो। हम अच्छे से जानते हैं सुलेमान के बारे में, मेरे परमेश्वर इतना महान है, वो बस इतना चाहता है आपसे कि आप उसके मार्ग पे चलें, आप उसकी आज्ञाओं को मानें, उसके बताए हुए मार्ग पे चलें। परमेश्वर का वचन में एक जगह से और हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसकी 17 और 18 आयत। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसकी 17 और 18 आयत, यहाँ इस प्रकार लिखा है, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरी ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि तुझे जो कुछ भी यहाँ अब संपत्ति मिली है, तूने जो कुछ भी यहाँ बनाया है, इस संसार में बनाया है, तो ये सोचकर उस बात पे घमंड मत करना कि ये सब मैंने अपनी सामर्थ से बनाया है, क्योंकि ये सब करने की सामर्थ हमें सिर्फ परमेश्वर से मिलती है। सिर्फ परमेश्वर हमारे जीवन में उस सामर्थ को देता है कि हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पहले तुम उसके राज्य की खोज करो तो ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। हम अपनी बुद्धि से, हम अपनी सामर्थ से कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो, हमें सामर्थ देने वाला हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर है, वही हमें सामर्थ देता करता है मेरे प्रियो। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारी कौन सी संसारिक चीज आवश्यकताओं को पूरा करता है और कौन सी हमें संसारिक आशीषें देता है मेरे प्रियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करता है, हमारी आधारभूत वस्तुओं की जो आशीषें हैं वो हमें देता है। आधारभूत वस्तुओं की आशीषें हमारे जीवन में परमेश्वर रखता है मेरे प्रियो। उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, सॉरी व्यवस्था विवरण में जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण 8 और उसका 4वां अध्याय चौथी आयत, 8 व्यवस्था विवरण 8 और उसकी चौथी आयत, इस प्रकार से लिखा है, इन 40 वर्षों में मैं तेरे वस्त्र पुराने हुए और ना तेरे तन से ही गिरे और ना तेरे पैर फूले। हम देखते हैं जब परमेश्वर इसराइलियों को मिस्र से निकाल के लेके आया था और वो उन्हें 40 वर्ष तक जंगल में लिए फिरा मेरे प्रियो, 40 वर्ष कम नहीं होते हैं मेरे प्रियो। उन 40 वर्षों में उनको बहुत सी जरूरत हुई होगी, बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता हुई होगी मेरे प्रियो, लेकिन जब वचन में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने उन 40 वर्षों में ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए, उनके वस्त्रों को पुराने, ना तो उनके वस्त्रों को पुराना होने दिया परमेश्वर ने, ना उनके जूते फटे और ना ही उन्हें किसी चीज़ की कमी हुई, ना उनके पैरों में छाले पड़े मेरे प्रियो, और यहाँ तक परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से मन्ना खिलाया मेरे प्रियो और चट्टान में से उनको पानी पिलाया।
उतारा, उनकी हर जरूरत को पूरा किया मेरे प्रियो। और अभी हम वर्तमान स्थिति में जब हम देखते हैं, वर्तमान स्थिति में जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, कि जब ये लॉकडाउन का समय था मेरे प्रियो, और अभी भी मेरे प्रियो, हम जब पिछले दिनों हमने बहुत न्यूज़ चैनल्स में देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर भूखे घूम रहे हैं, उनके सर पे छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, उनकी जेब में पैसे नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने, हमारा आपका परमेश्वर इतना महान है मेरे प्रियो कि उसने इस समय में भी उसने हमें संभाले रखा, उसने हमें किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी है मेरे प्रियो, उसने हमें अच्छे से अच्छा खाना खिलाया है, हमारे सर पे छत को रखा है मेरे प्रियो, हमारे हर जरूरत को पूरा किया है मेरे प्रियो। इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी आधारभूत वस्तुओं की आशीषें हमारे जीवन में बहुतायत से रखता है मेरे प्रियो। इसके अलावा परमेश्वर हमारे जीवन में लंबी उम्र को भी रखता है मेरे प्रियो, लंबी आयु की, दीर्घ आयु की आशीष वो हमें देता है मेरे प्रियो। व्यवस्था विवरण उसका 11:21 में अगर हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो वहाँ परमेश्वर इसराइलियों के साथ में परमेश्वर इसराइलियों को एक बात कह रहा है कि जिस देश में मैं तुझे लेके जाऊंगा वहां तू और तेरे बच्चे दोनों दीर्घायु होंगे, तेरे बच्चे और तू दोनों दीर्घायु होंगे, और जब तक ये आकाश है तब तक तुम भी बने रहोगे, जब तक ये पृथ्वी है तब तक तुम भी बने रहोगे, मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा, ना केवल तेरी आयु को बढ़ाऊंगा परंतु तेरे बच्चों की आयु को भी बढ़ाऊंगा। मेरा और आपका परमेश्वर इतना महान है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर इसमें कंडीशन रख रहा है मेरे प्रियो। अगर इसके ऊपर वाली आयतों को हम अगर पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 11:18-20 आयत तक अगर हम पढ़ेंगे, तो वहाँ परमेश्वर हमारे सामने कंडीशन को रख रहा है मेरे प्रियो। वो कह रहा है कि अगर तू मेरे वचनों को अपने मन में और अपने प्राण में धारण किए रहना और उसको चिन्ह करके अपने हाथों पे बांधना और वो तुम्हारी आंखों के बीच में टिक्के का काम दे, वो तुम्हारी आंखों के बीच में टिक्के का काम दे, तुम घर में बैठते उठते राह में चलते फिरते इनकी चर्चा किया करना और अपने बाल बच्चों को सिखाया करना। क्या आज हम चर्चा करते हैं मेरे प्रियो? क्या आज हम परमेश्वर के वचन की चर्चा करते हैं मेरे प्रियो? क्या आज हमारे पास इतना समय है कि हम उसकी बातों के बारे में विचार करते हैं? क्या हमने उसके वचन को अपने मनों में ग्रहण करके रखा है? क्या हमने उसके वचनों को अपने प्राण में ग्रहण करके रखा है मेरे प्रियो? शायद नहीं मेरे प्रियो। तभी जो आशीष है वो हमें देना चाहता है आज हमारे जीवनों में नहीं है मेरे प्रियो। वो आज भी आपसे चाहता है कि आप उसके वचनों को माने, उसके वचनों की चर्चा करें, उसके वचनों को अपने मन में ग्रहण करे रखें, और वो आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को रखना चाहता है मेरे प्रियो। और वो सिर्फ इतना चाहता है कि हम उसके वचन को माने, वो इतना चाहता है कि हम उसके वचन को सीखें, और इसके साथ साथ वो ये चाहता है कि हम हमारे बाल बच्चों को भी सिखाएं, हम अपने बच्चों को उसके वचन के बारे में सिखाएं। क्या आज हम हमारे बच्चों को बैठा कर उनसे क्या वचन, परमेश्वर के वचन से बात करते हैं? क्या हम उन्हें कुछ सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं हम आज उन्हें? वो बच्चे जो परमेश्वर की ओर से मिली हुई एक बहुत बड़ी आशीष है मेरे प्रियो, वो बच्चे जो उसने हमें आशीष के रूप में दिए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 127:3 में, देख लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग है और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। क्या हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं मेरे प्रियो? वो परमेश्वर ने जो बच्चों के रूप में हमें आशीष दी है मेरे प्रियो, तो उसके साथ साथ उसने हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है मेरे प्रियो। वो कह रहा है कि अपने बच्चों को सिखाया करना। आज हम हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? उनको मोबाइल के अंदर गेम खेलना सिखा रहे हैं, या उनको मोबाइल के अंदर और दूसरी चीज़ें दिखाना सिखा रहे हैं, उनको फिल्मी गानों पर डांस करना सिखा रहे हैं? क्या सिखा रहे हैं आज हम? क्या हम बैठते हैं उनके साथ वचन से बातें करते हैं उनको? क्या उनको सिखाते हैं हम? नहीं मेरे प्रियो। लेकिन आज समय है कि परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हम अपने बच्चों को वो सिखाएं, हम खुद वो सीखें, क्योंकि बच्चे जब हमें देखेंगे तो वही वो सीखेंगे मेरे प्रियो। इसलिए वो चाहता है कि हम अपने आप को बदलें ताकि हमारे बच्चे भी हमारे मार्गों पे चलें, हमारे बच्चे भी परमेश्वर की महिमा करने वाले हो सके मेरे प्रियो। वो यही चाहता है मेरे प्रियो। तो वो जो आशीष है वो आज हमारे जीवन में दिए जा रहा है मेरे प्रियो, लंबी उम्र की आशीष वो आपको दिए जा रहा है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, बच्चों की आशीष जो परमेश्वर हमारे जीवन में रखता है उसके बारे में हम देखेंगे कि अब्राहम जो 100 वर्ष का था और उसकी पत्नी सारा जो 90 वर्ष की थी और उनके कोई संतान नहीं थी मेरे प्रियो, ऐसे समय में जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है कि तुझे एक बालक उत्पन्न होगा
तो वो सोचता होगा कि इस उम्र में बच्चा होना बहुत मुश्किल है, उसकी संतान नहीं हो सकती। वो तो अपनी सारी उम्मीद खो चुके होंगे, वो अपनी सारी सामर्थ्य लगा चुके होंगे, लेकिन उनके कोई बालक उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए वो अपनी सारी इच्छाओं को खो चुके होंगे। वो सोचते होंगे कि इस उम्र में उन्हें कहाँ से संतान उत्पन्न होगी। लेकिन हम देखते हैं मेरे प्रियो, अब्राहम के विषय में परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ाया, जब उसकी पत्नी सारा और अब्राहम बूढ़े हो गए थे तो परमेश्वर ने उन्हें इसहाक के रूप में एक बालक दिया, आशीष के रूप में इसहाक को दिया। मेरे प्रियो और आगे हम जानते हैं, ना केवल इसहाक को दिया परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को अत्यंत फलवंत किया, मेरे प्रियो अत्यंत फलवंत किया, और उसे जाति जाति का मूल बनाया। इसके आगे हम सब जानते हैं इसकी क्या स्टोरी है, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि मेरा परमेश्वर कितनी अद्भुत रीति से काम करता है। वो हमारे जीवन में इतनी सब आशीषों को रखता है और किसी भी चीज़ की कमी घटी वो नहीं होने देता है। मेरे प्रियो, ये सब जो आशीषें परमेश्वर हमें देता है वो सिर्फ उसके लिए इतना चाहता है कि हम उसके वचन को माने, उसके मार्ग पे चले, उसकी बातों को अपने मन में अपने प्राण में धारण किए रहे। मेरे प्रियो, आगे हम देखेंगे जिस प्रकार से परमेश्वर हमारे सांसारिक जरूरतों को पूरी करता है, सांसारिक आशीषें वो हमें देता है, उसी तरह से वो हमें आत्मिक आशीषें भी देता है। मेरे प्रियो, यह हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में आत्मिक आशीषों में उद्धार की आशीष को रखता है। मेरे प्रियो, उद्धार की आशीष को रखता है। यहोना 3:16 जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं और हमें अच्छे से याद भी है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु कि आपने हमसे इतना प्यार किया, आपने हमसे इतना प्यार किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया। उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख के छोड़ा, बल्कि उसने वो हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु जो उद्धार उसने हमारे लिए रखा है, जो अनंत जीवन उसने हमारे लिए रखा है, वो हम उस ग्रहण करने वाले हो सके। मेरा और आपका प्रभु कितना महान है। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं उसने हमसे कितना प्यार किया है। मेरे प्रियो, एक जगह से और हम पढ़ेंगे, यहुना 45 उसका 22वीं आयत, यहुना 45 उसकी 22वीं आयत इस प्रकार से लिखा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। परमेश्वर का वचन यहाँ हमें बता रहा है कि वो हमें एक मौका और देना चाहता है। वो सब लोगों से कह रहा है कि तुम मेरी ओर फिर आओ, तुम मेरी ओर लौट आओ, ताकि जो उद्धार मैंने तुम्हारे लिए रखा है वो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। ये लॉकडाउन का समय है मेरे प्रियो, बहुत अच्छा समय है हमारे पास कि हम अपने मनों को फिरा लें, हम अपने जीवनों को बदल दें, हम उसकी नज़दीकी में आ जाएं। जो भी हमने गलतियाँ की थी उन सबको पिता परमेश्वर के सामने ला कर रख दें, और वो परमेश्वर, वो आपका और मेरा परमेश्वर इतना दयालु पिता परमेश्वर है, वो आज भी बाहें फैलाए खड़ा है और वो उद्धार जो उसने हमारे लिए रखा है वो हमें देना चाहता है। मेरे प्रियो, वो कह रहा है कि तुम अपने आप को फिरा लो, तुम अपने मनों को फिरा लो, तुम अपने दिलों को फिरा लो, अपने आप को बदल दो, तो जो उद्धार मैंने तुम्हारे लिए रखा है मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरा और आपका परमेश्वर बहुत महान है। मेरे प्रियो, वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे नाश हों, वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे उससे दूर जाएं, वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे नरक की आग में डाल दिए जाएं, वो चाहता है कि हम उसके और फिर जाएं, हम उसके करीब चले जाएं, और जब वो आए मेरे प्रियो तब उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रियो, आज भी वक्त है, मेरे प्रियो आज भी समय है, उसका वचन कह रहा है कि तुम मेरी और फिर जाओ तो जो उद्धार मैंने तुम्हारे लिए रखा है वो तुम पाओगे। उसका वचन कह रहा है कि जो उद्धार मैंने तुम्हारे लिए रखा है वो तुम पाओ। क्या करना है हमें? सिर्फ अपने आप को फिराना है, अपने मनों को बदलना है, अपने आप को बदलना है मेरे प्रियो, और परमेश्वर वो उद्धार हमें दिए जा रहा है। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो कि हमारे जीवन में वह चुने हुए लोगों की आशीष को भी रखता है। उसका कलाम बता रहा है यहूना 15:16 के अंदर, यहूना उसका 15:16 के अंदर, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया, कितनी बड़ी आशीष की बात है मेरे प्रियो, कितनी महान बात यहाँ प्रभु का वचन कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। उस परमेश्वर ने हमें चुना, उस महान परमेश्वर ने हमें चुना है, अपनी लोग करके चुना है, अपनी प्रजा करके चुना है उसने हमें। परमेश्वर का वचन बताता है कि बुलाए गए तो बहुत हैं मगर चुने गए थोड़े हैं, और उन चुने हुए में वो हमें रख रहा है। मेरे प्रियो, इतनी बड़ी आशीष को हमारे जीवन में रख रहा है प्रियो, वो उन चुने हुए में हमें रख रहा है जो उसके साथ जाएंगे, वो उन चुने हुए में रख रहा है जो जब उसका राज्य आएगा जब उसके साथ होंगे। मेरे प्रियो,
परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन हमें बताना है कि परमेश्वर ने हमें अपने बेटे और बेटियां करके चुन लिया है। परमेश्वर के वचन हमें बता रहा है कि वो आपको और मुझे कितना प्यार करता है, उसने हमें चुन लिया है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसे जानते नहीं हैं, लेकिन धन्यवाद हो कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें चुना है। धन्यवाद हो कि उसने हमें चुना है। हम उसके वचन को जानते हैं, हम उसके नाम को जानते हैं, उसकी महिमा करते हैं। मेरे प्रियो, कितना महान परमेश्वर है मेरा और आपका मेरे प्रियो, कि उसने हमें चुने हुए लोगों की आशीष दी है। मेरे प्रियो, एक और आशीष जो परमेश्वर हमारे जीवन में देता है वो है नई सृष्टि बनने की आशीष। मेरे प्रियो, नई सृष्टि बनने की आशीष, दूसरा कुरंथियो उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत, जहाँ इस तरह से लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें नई सृष्टि बनने की आशीष देता है। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, जब हम मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो परमेश्वर हमें एकदम नई सृष्टि बना देता है। वो हमारे व्यक्तित्व को बदल देता है मेरे प्रियो, वो हमें बदल देता है मेरे प्रियो, हमारी सारी बुराइयों को दूर कर देता है मेरे प्रियो। हमने पिछले समय में चाहे कितना भी पाप किया हो, लेकिन जब हम उसे ग्रहण कर लेते हैं मेरे प्रियो, तो हम बिल्कुल नए हो जाते हैं। वो हमारी हर बुराई को दूर कर देता है मेरे प्रियो, हमें एक नया व्यक्ति बना देता है मेरे प्रियो। और इसका अगर दूसरे लोग भी जब हमें देखते हैं मेरे प्रियो, तो वो यही कहते हैं कि जीवते परमेश्वर का बेटा है, ये जीवते परमेश्वर की बेटी है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें एक नई सृष्टि बनाता है, एक नया मनुष्य तो हमें हमारे अंदर से उभार के खड़ा करता है मेरे प्रियो। हम किसी जब हम परमेश्वर यीशु मसीह में आ जाते हैं, जब मसीह में आ जाते हैं तब हमारी हर बुराई को दूर कर देते हैं। हम ना तो किसी की बुराई करते हैं, ना किसी के बुरे विषय में बुराई सोचते हैं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को परमेश्वर चाहता है कि हम हमारा व्यक्तित्व उसके अनुसार बनाए, क्योंकि वचन में लिखा है तुम पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हम वो परमेश्वर हमें एक नई सृष्टि बनाता है, हमें पवित्र करता है, हमारे अधर्म के कामों को दूर करता है, हमारी हर एक बुराई को दूर करके नया मनुष्य हमारे जीवन में निकला के खड़ा कर देता है मेरे प्रियो, हमारे को बदल देता है मेरे प्रियो। और मसीह के आने के बाद ही मनुष्य हम अपने आप के बदल सकते हैं मेरे प्रियो, हमारा जीवन हम बदल सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे जीवन में क्षमा के रूप में भी आशीष को रखता है मेरे प्रियो। हम सब जानते हैं कि मेरा और आपका परमेश्वर कितना दयालु है। हम बार बार गलती करते हैं और बार बार वो हमें माफ़ भी करता है। वो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता, बल्कि वो हमें क्षमा देता है। और ये क्षमा क्या है मेरे प्रियो? उसकी ओर से मिली हुई आशीष ही तो है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 32 उसका 5वां अध्याय, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। परमेश्वर का वचन यहाँ इतनी अद्भुत बात बता रहा है मेरे प्रियो, कि जब मैंने अपने पाप उसके सामने मान लिए, जब हम अपने पाप उसके सामने मान लेंगे और अपने अधर्म को नहीं छुपाएंगे मेरे प्रियो, हम उससे कुछ भी नहीं छुपा सकते मेरे प्रियो। उसने तो आपको और मुझे रचा है मेरे प्रियो, वो तो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो आपके और मेरे मन में क्या चल रहा है वो सब जानता है मेरे प्रियो। चाहे हम बंद कमरे में जाके भी अगर पाप करेंगे, हो सकता है हम अपने घर वालों से छुपा लें, हो सकता है अपने माता पिता से छुपा लें, हो सकता है पति पत्नी से छुपा लें, हो सकता है हमारे समाज से छुपा लें, लेकिन वो परमेश्वर सब देख रहा है मेरे प्रियो। लेकिन फिर भी वो आपको मौका दे रहा है कि आप आकर उसके सामने अपने पापों की क्षमा मांगिए, आप उसके सामने आकर अपने अधर्म को बता दीजिए कि मैंने ये गलती कर दी है मेरे प्रभु, मुझसे ये गलती हो गई है मेरे परमेश्वर, लेकिन मैं तेरे आगे अंगीकार कर लेता हूँ, तो मेरे जीवन को छू, तो मुझे मेरे पापों को क्षमा कर। तो देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करता है कि नहीं करता। मेरा और आपका परमेश्वर बहुत दयालु पिता परमेश्वर है मेरे प्रियो। तब वो हमारे हर पाप को माफ़ करता है मेरे प्रियो। एक बार उसके चरणों के सम्मुख आइए, अपने आप को उसकी वेदी के सम्मुख ले आइए मेरे प्रियो, अपने पापों का अंगीकार कीजिए और वो आपके हर एक पाप को क्षमा करेगा। वचन बताता है, वचन में लिखा है
कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हों तो भी मैं उन्हें हिम के समान सफ़ेद कर दूंगा, और चाहे वो अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो तो भी मैं उन्हें ऊन के समान श्वेत कर दूंगा। मेरा आपका परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, वो इतनी सामर्थ रखता है कि वो आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, वो आज भी इंतज़ार में है, या वो कह रहा है मेरे बेटे लौटा, हे मेरी बेटी लौटा, मैं आज भी तो तेरे लिए खड़ा हूँ। वो आज भी आपके लिए इंतज़ार में है। मेरे प्रियो, अपने पापों की क्षमा मांगे और वो आपको ज़रूर क्षमा कर देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर बहुत महान है। मेरे प्रियो परमेश्वर, देखते हैं आगे हम एक और आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में रखता है, वो है पवित्र आत्मा की आशीष। पवित्र आत्मा की आशीष, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और में जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम पहले अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तब हम उसमें देखते हैं मेरे प्रियो कि जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होता है और उस समय उसके चेले जब उसके पास में आते हैं तो उससे बातें करते हैं, तो परमेश्वर उनसे कहता है, यीशु मसीह उनसे कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा हम पर आता है तो हम सामर्थ को पाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ भी जब हम देखते हैं कि उन प्रेरितों पे जब पवित्र आत्मा आया, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जब उन पे पवित्र आत्मा आया तो उन्होंने कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। मेरे प्रियो, कितने बड़े बड़े काम उन्होंने किए। मेरे प्रियो, उन्होंने लोगों को चंगा किया, परमेश्वर के वचन को प्रचार किया, जगह जगह वो जाकर परमेश्वर के वचन को प्रचार किया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की आशीष पर यीशु मसीह हमें अभी देने को तैयार है, बस हमें उसके चरणों के पास जाना है, अपने घुटनों पर बैठ के उससे प्रार्थना मांगनी है। मेरे प्रियो, और वो पवित्र आत्मा की आशीष भी आपको और मुझे देगा, और उसकी सामर्थ्य से मैं और आप इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, आप खुद जानते हैं। मेरे प्रियो, जब प्रेरितों के काम को पूरा जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें उनमें प्रेरितों के किए हुए सारे कामों का वर्णन हम पढ़ते हैं, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब उनको पवित्र आत्मा दिया तो उनके जीवन से कैसे बड़े बड़े काम हुए। मेरे प्रियो, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। यहाँ उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी, पतरस जो यीशु मसीह का चेला था, जिसने परमेश्वर यीशु मसीह का जब उसको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, यीशु मसीह का उसने 3 बार इनकार किया। मेरे प्रियो, 3 बार उसने इनकार किया, उसने बार बार मना किया कि मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता। लेकिन जब उस पर पवित्र आत्मा आया, और जब हम देखते हैं पतरस के जीवन को, पवित्र आत्मा जब उस पर आया तब उसने कितने लोगों में परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, और उसके प्रचार करने के उसके प्रचार करने से कितने लोगों ने उस समय बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के वचन में आ गए, परमेश्वर के वचन को मानने लगे, यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब उतरता है तो वैसे बड़े बड़े सामर्थ्य काम करता है। मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन में भी बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है। मेरे प्रियो, वो बस इतना चाहता है कि हम उसके चरणों के समीप आ जाएं, हम उसके पास आ जाएं, अपने आप को बदल दें। मेरे प्रियो, जो ये आशीष है वो उसने हमारे जीवन में रखी है, वो देना चाहता है। मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे जीवन में इन सब आशीषों को रखता है, और वो चाहता है कि मैं बहुतायत से सबको दूं, लेकिन बस वो इतना सा चाहता है मेरे प्रियो कि हम उसके वचन को माने, उसके वचनों को अपने मन में ग्रहण कर रखें, अपने प्राणों में ग्रहण करके रखें, और उसके वचन को माने, उसके राह पे चले। मेरे प्रियो, वो बहुत दयालु पिता परमेश्वर है हमारा, वो अपने बच्चों को सारी आशीषें दिए चाहता है, वो अपने सारी आशीषें आपको दिए चाहता है। आज आपके जीवन में वो आशीष को देने वाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने मनों को फिरा लें। अभी भी समय है मेरे प्रियो, अभी भी समय है कि हम उसकी हुजूरी में आ जाएं और अपने आप को उसके सामने समर्पित कर दें। मेरे प्रियो, उसके सामने अपने आप को रख दें। मेरे प्रियो, और मेरा और आपका परमेश्वर इतना महान है कि वो आपके जीवनों में काम करने वाला है। मेरे प्रियो, होने दीजिए ये मेरा परमेश्वर आपके जीवन में इस वचन के द्वारा एक बड़ा काम करने जा रहा है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा हो सकता है बहुत से लोग अपने मनों को फिरा लें, हो सकता है परमेश्वर को अपना जीवन दे दें और उसकी नज़दीकी में आकर उसकी अमदो सिताइश करने वाले हो सके। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें, सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति होती महान प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमारे जीवनों में अपनी आशीषों को रखा है। मेरे परमेश्वर,
और परमेश्वर आपने वचन पिता परमेश्वर मेरे मुख से में दिया पिता परमेश्वर, और जितने लोगों ने भी सुना पिता परमेश्वर वो परमेश्वर आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। होने दे परमेश्वर कि हम हमारे जीवनों को इस तरह से बनाए परमेश्वर कि जो आशीष है आपने हमारे जीवन में रखी है परमेश्वर वो परमेश्वर हम ग्रहण करने वाले हो सके मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आपने अगुवाई करी, और पिता परमेश्वर पूरी समय आप संग संग बने रहे पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना को तेरे बेटे मरुधार करता मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए।